अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आयज़ा ख़ान आपको वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगी एक मशहूर ज़माना क्रीम के बारे में, जिसका नाम है गोल्डन पार्क, गोल्डन पार्क क्रीम। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वाकई में इसको लगाने से एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, क्या वाकई में आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है इसको लगाने से, और क्या इसको लगाने से आपके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, ताकि आप मेरे बन जाएं न्यू सब्सक्राइबर। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह की होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी पैकिंग, इसके पीछे लिखी होगी इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी प्राइस, सब कुछ। और इसका कलर होता है कुछ इस तरह का। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर होने वाली एक क्रीम है, बल्कि इंडिया, दुबई और बहुत सारे दूसरे, बांग्लादेश में भी एक फेमस होने वाली क्रीम है। पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड है गोल्डन पार्क, जो कि पिछले 25 सालों से ये क्रीम बना रहा है। और ये क्रीम इवन कि अगर आप बाहर से कोई लोग भी, जब बाहर से कोई आता है तो उनसे रिक्वेस्ट पे लोग पाकिस्तान से मंगवाते हैं कि हमारे लिए ये क्रीम लाइएगा। इसको मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको, और इसमें क्या चीज़ें ऐसी मिक्स करके आप लगा सकते हैं कि आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिले इसका, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये ही हैं जो कि एक फार्मूला क्रीम, जैसे कि आप बाकी फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं, उनसे कुछ दर्जे बेहतर है। अगर आप गोरा होना चाहते हैं और आपको जल्दी है गोरा होने की, और आप कोई हर्बल चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते और क्रीम के साथ गोरा होना चाहते हैं, 7 दिन में गोरा होना चाहते हैं, तो ये आपको गोरा करेगी, और वाकई में गोरा करेगी आपकी स्किन पे अगर झाइयाँ वगैरह हैं तो उनको भी रिमूव करेगी। जिस तरह के बाकी फार्मूला क्रीम्स हैं जो कि बहुत सारी क्रीम्स को मिक्स करके बनती हैं, उनसे बेहतर है, एज़ कम्पेयर टू डैम आपकी स्किन को कम नुकसान पहुंचाएगी। इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट मंथ तो कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, और फिर अगर आप फिर और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप एक दिन स्किप करके इसको यूज़ कीजिए, यानी कि एक दिन लगाया और एक दिन छोड़ दिया। इस तरह इसके नुकसान कम होते हैं, आपकी स्किन को कम नुकसान पहुंचाएगी, और आपकी स्किन मीन कि आपकी स्किन को वो नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जैसे कि बाकी फार्मूला क्रीम से पहुँचता है, ये इसको कॉन्टीन्यूसली हर रोज़ लगाने से होता है। क्योंकि फर्स्ट मंथ में जैसे आप इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे, आपका कलर तो गोरा हो जाएगा, फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप एक दिन छोड़ के लगाते रहें, ताकि आपकी स्किन को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और आपकी स्किन गोरी भी रहे। इसके बाद इसको लगाने से क्या आपकी स्किन पे बाल हो जाते हैं, तो कुछ अगर आप इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि बेटनोवेट या दूसरी चीज़ें मिक्स करके लगा रहे हैं, तो तब आपकी स्किन पर डेफिनेटली बाल होंगे। क्योंकि बेटनोवेट एक में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पे बालों को ग्रो करते हैं। अगर आप उसको किसी ऑयल में मिक्स करके लगा रहे हैं तो आपके बाल ग्रो करेंगे, तो आप उसको अगर अपनी फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपके बाल जो आपके फेस पे होंगे वो मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और आपके बाल और ज़्यादा ग्रो करने शुरू हो जाएंगे आपके बाल, मुँह पर जो आपके बाल होंगे। तो आप इसमें बाकी इस तरह की चीज़ें जो कि नुकसान वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेटनोवेट या इस तरह की दूसरी मुख्तलिफ किस्म की जो क्रीम्स आप मिक्स करते हैं, उसके बजाय इसमें आप जो गोल्डन पर्ल का सीरम आता है, वाइटनिंग सीरम आता है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप इसमें ऐड करके यूज़ कीजिए, तो आपको इसका ट्रिपल फ़ायदा होगा, आपकी ट्रिपल स्पीड से आपकी स्किन गोरी होगी। इसके बाद आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी नुकसान नहीं होगा, और आप इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग कैप्सूल्स, एक पूरे पैक के अंदर 2 कैप्सूल्स आप डालेंगे, इस पूरी डब्बी के अंदर आप सीरम डालेंगे, और फिर आप इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इससे आपकी स्किन बगैर किसी नुकसान के गोरी हो जाएगी और आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग भी रहेगी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो कि रिव्यू थी गोल्डन पर्ल के बारे में, मैंने आपको बताया कि कैसे आप बगैर साइड इफ़ेक्ट के इस क्रीम के साथ गोरा हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाएं, आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी इसी तरह की सारी वीडियोज़ टाइम पर मिल सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।